क्या आपका भी वीजा जो है कनाडा का टूरिस्ट हो, स्टूडेंट है, कोई सा भी जो है रेफ्यूज हुआ है, तो वो क्यों रेफ्यूज हुआ, क्या जो है इसका रीजन है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैंने यही बताया है आपको जो है क्या जो है उसका रीजन हो सकता है। और मोस्टली जो है देखिएगा मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, उनके बिहाफ पे मैंने वीडियो बनाई जिससे कि आपके साथ इस तरीके की जो है प्रॉब्लम ना हो, किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है और किस वजह से आपका जो है वहाँ का वीज़ा जो है रिजेक्ट होता है, उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा वहाँ का रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले बता दूंगा मैं चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिएगा। करने का फायदा यही है दोस्तों कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो डेली अपलोड करता हूँ वो बाय डिफॉल्ट आपको आपके मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, जिसमें भी यूट्यूब देखते हैं उसके होम पेज पर नजर आ जाएगी और आपको उसका काफी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं। वेलकम बैक टू योर चैनल, आपके अपने चैनल में जो है स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि कनाडा के जो है अगर आपका रेफ्यूजल वहाँ से आया है तो क्या जो है उसका रीज़न हो सकता है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि इन फ्यूचर आपकी जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, और जो है आपको जो रीज़न है मेन रीज़न है वो क्या जो है हो सकता है। वैसे तो देखिएगा रीजन जानने के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई थी, अपने GSM नोट्स आप निकलवा सकते हैं। वो कैसे निकलवा सकते हैं उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसे निकाल के आप जो है जान सकते हैं मेन रीजन क्या था। लेकिन फिर भी अगर आप जो है अप्लाई कर रहे हैं तो उस तरीके का रीजन निकलवाने की आपको जरूरत ही ना पड़े, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई जिससे कि आपको पता चल जाए और आपकी जो भी इस तरीके से आप जो है कनाडा का कोई भी जो है वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो है आपकी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या क्या जो है पॉइंट है वो आज अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए अगर आप जो है कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की अगर मैं बात करूँ, टूरिस्ट वीज़ा पर आप जो है अगर वहाँ पर जो है अप्लाई करा रहे हैं तो उसके लिए देखिएगा सबसे पहले आपका जो है ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो लोग देखते हैं। ट्रेवल हिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है तो ट्रेवल हिस्ट्री जो है अगर जैसे कि आपकी ट्रेवल हिस्ट्री अच्छी है तो आपको जो है इजी हो जाता है वहां पर जाना। वहां के जैसे कि अगर आप पहले जो है विजिट किए हुए हो कनाडा में और किसी और दूसरी कंट्री तो आपकी ट्रेवल हिस्ट्री इसमें जो है मेन होती है। ट्रेवल हिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है तो आपको जो है वहां का जो है डॉक्यूमेंटेशन और आपकी जो है सब चीजें सही है और ट्रेवल हिस्ट्री भी अच्छी है तो आपको आसानी से वीजा मिल जाता है। और इसके विपरीत अगर मैं बात करूँ अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो आपके जो है फंड अगर थोड़े भी हैं तो वो चल जाते हैं, लेकिन अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं है तो आपके पूरे जो है डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरे लगाने पड़ते हैं। वैसे तो ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो तब भी लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आपको जो है पूरे डॉक्यूमेंटेशन मतलब पूरी फुलफिल आपकी वो देखते हैं कि जो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वहाँ आप कनाडा पहले विजिट किए हुए हैं या US विजिट किए हुए हैं या और किसी जो है शेनेगन कंट्रीज विजिट किए हुए तो आपको आसानी से वहाँ का वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, मोस्टली जो है रीज़न ये होता है। दूसरा जो है देखिएगा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको फंड आपके जो है प्रॉपर होने चाहिए, जितने जो है उन्हें मांगने चाहिए उतने होने चाहिए आपके फंड। जितने भी जो अलग अलग जो है वीज़ा के अलग अलग फंड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं टूरिस्ट की बात करूँ तो 10,000 कैनेडियन डॉलर जो है आपके अकाउंट में होने चाहिए, तो 6 मंथ जो ओल्ड होने चाहिए। और मैं जो हूँ अगर स्टूडेंट वीज़ा की बात करूँ तो वहाँ के भी अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट है वहाँ की, वो आपकी फुलफिल होने चाहिए तब जो है आप अप्लाई करें। तो आपको फंड जो है प्रॉपर आपके होने चाहिए उसमें। ठीक है, तीसरी चीज जो है डॉक्यूमेंट असिस्मेंट आपके जो होते हैं जो कि वो बहुत ज़रूरी है। उसमें यह है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो लीगल हो और आपके जो है कोई उसमें फ्रॉड ना हो, क्योंकि देखिएगा वहां पर क्या है कि जो है आपके डॉक्यूमेंट जब आपका प्रोसेस चलनी स्टार्ट हो जाता है और आप जो है अपनी फाइल जो है IRCC में जो है दाखिल कर देते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट जो है असिस्ट होते हैं वेरीफाई जिसको बोलते हैं तो वो जो है प्रॉपर अगर आपके हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके प्रॉपर नहीं है तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो जो है आपके इस तरीके से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए और पूरे होने के साथ साथ वो जो है लीगल होने चाहिए, उनमें कोई इस तरीके से हेर फेर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें जो है चौथी चीज जो है देखिएगा अगर आपको कोई वहां से इनवाइट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको वहां से किसी ने इनवाइट किया तो उसके लिए देखिएगा आपको जो है जो रीजन है इनविटेशन
रीजन जो इनवाइट रीजन है, जैसे कि आपको किसी ने फ्रेंड ने आप किसी पार्टी के लिए बुलाया, या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई जो है सेरेमनी है वहाँ, कोई शादी है, तो उसका जो है रीजन है वो प्रॉपर होना चाहिए उसका जो है, कि भाई ये मेरे जो है फ्रेंड है, मैं इनको जो है शादी के लिए बुला रहा हूँ। तो उसको अगर आपका रीजन जो है प्रॉपर है तो आपको आसानी हो जाती है वहाँ का वीजा मिलने की। लेकिन अगर आपको किसी ने इन्विटेशन भेजा सिर्फ मिलने के लिए, या कुछ इस तरीके से जो है कुछ रीजन उन्होंने जो अच्छा नहीं लिखा, तो वो भी जो है, जो जैसे कि आपको कोई वहाँ पर जो कोई रिलेटिव है या कोई आपके फ्रेंड है वो बुला रहे हैं, आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसका जो रीज़न है वो जो है प्रॉपर होना चाहिए। वो प्रॉपर ये होना चाहिए कि उसमें जो उन्होंने टाइप करके लिखने चाहिए वो, कि जो है इस तरीके से मैं जो हूँ इनको बुला रहा हूँ, और ये जो है मेरा रीज़न है कि ये सेरेमनी है, इस तारीख की जो है शादी है, ये जो भी उनका जो है बुलाने का रीज़न है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, वैसे तो और भी पॉइंट है, लेकिन जो है आप इन चीज़ों का ही ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ यह है, देखिएगा आपका जो वीज़ा है वो जाने का आपका रीज़न होकर आपको वापसी होना चाहिए। ठीक है, यानी उसकी जो है रिटर्न डेट, फॉर एग्जाम्पल आप जो जैसे कि 16 सितंबर को जा रहे हैं और जो है आपको आना है वहाँ से 16 जैन को, तो आपका जो है वो जो है प्रॉपर होना चाहिए, आने की डेट जो है उसमें आपकी कन्फर्म होना चाहिए, क्योंकि वो लोग देखते हैं वहाँ के जो वीज़ा ऑफिसर हैं कि आप जो है सिर्फ वहाँ पर जो जो भी जिस पर्पज़ से भी आप जा रहे हैं वो पर्पज़ आपका करके आप वहाँ से वापस हो जाएंगे, तो वो आपकी जो है प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों का फिर ध्यान रखेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको जो है आसानी हो जाएगी वहाँ जाने की। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ वीडियो को, अगर आप जो है कनाडा का टूरिस्ट या कोई सा वीज़ा जो है अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे जो है आपके फंड जो है सही प्रॉपर जितने जहाँ जहाँ जैसे भी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। तीसरी चीज़ जो है डॉक्यूमेंट असेसमेंट में आपके डॉक्यूमेंट जो भी लगाएं वो जेन्युइन लगाएं, अपने इसमें नहीं है कि आप जो है कोई हेयर फेयर वाले डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो वो जो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई होने के बाद ही आपको वहाँ का वीज़ा मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, तो उसका रीज़न आपको प्रॉपर होना चाहिए, जिस रीज़न से भी वो बुला रहे हैं तो उसको जो है वो लिखने चाहिए पेपर में, कि जो है ये मैं इस तरीके से उनको बुला रहा हूँ और ये ओकेशन करके ये जो वापस हो जाएंगे। ठीक है, चौथी चीज़ जो है वो ये है कि जो है पांचवी चीज़ ये है कि जो है से रिटर्न डेट उसकी जो है ये है कि उसमें होनी चाहिए कि रिटर्न डेट जो है सही होनी चाहिए उसमें जो है, रिटर्न डेट जो है वो देखते हैं, रिटर्न डेट अगर आपकी है तो उस चीज़ को वो देख करके आपको वहाँ का वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी इससे रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है आपकी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपकी जो भी क्वेश्चन क्यूरी हो, मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड, तो उसे मैं सॉल्व कर सकूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते रहते हैं वीडियोज़, तो फ्यूचर में भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे और जो भी आपकी मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होती रहेगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे और जो भी आपकी मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होती रहेगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको, और किन किन स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपकी जो भी क्वेश्चन क्यूरी हो, मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड, उसे मैं सॉल्व कर सकूं। तो प्लीज़ आप जो है चीज़ को कीजिएगा, और जितने मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर हैं सबको अगेन जो है मैं सच्चे दिल से थैंक बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग की वजह से ही चैनल इतना ग्रो हो चुका है, आप लोग इतना डेली कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते रहते हैं वीडियोज़। तो फ्यूचर में भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे और जो भी आपकी मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होती रहेगी। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा और इंशाल्लाह मैं जो हूँ एक कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के रिप्लाई जो है एक दिन में ही दे दूँ, लेकिन उसका रीज़न मैंने बताया हुआ था उसके पीछे का, कि कभी कभी मेरे पास हज़ारों मैसेजेस मेरे पास रहते हैं तो एक दिन में जो है रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपके सारे जो है क्वेश्चन का रिप्लाई दे देता हूँ। तो प्लीज़ आप जो है उसके लिए थोड़ा सा प्रेशर रखा करें, मैं जो हूँ आपके सारे क्वेश्चन देखता हूँ और उनका रिप्लाई करता हूँ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। बस आप लोगों का ऐसे प्यार चाहिए जो कि मिल भी रहा है,
इंशाल्लाह तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।